हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके लिए चिकन कबाब बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। और ये देखिए, मैंने चिकन ले लिया था और इसके हम अभी पीसेस को कट कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, अभी हम इसके छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे। चिकन कबाब जो मैं बनाने जा रही हूँ, बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे हम कि हर कोई बना सके। चिकन के पीसेस कट कर लिए हैं और इसमें हम नमक और नींबू का रस डालेंगे। इसको डाल के हमने 2-3 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देना है, साइड में रख देंगे अच्छे से मिक्स कर कर। अभी हम इसमें ड्राई मसाले ले लेते हैं। धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची है और नमक है। ये दोनों आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। ये हल्दी है, साथ में चिकन मसाला है और कश्मीरी लाल मिर्ची। अभी इन सबको ड्राई मसालों को हमने ले लिया है, साइड में रखेंगे। और जो हमने नमक और नींबू डाले थे, साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लिया था। और अभी हमने इनको दबाकर इसका सारा पानी निकाल लेना है, क्योंकि जो कबाब बनाएंगे तो हम अगर उनको ग्रिल करेंगे तो वो पानी छोड़ेंगे तो हमारे कबाब अच्छे से नहीं बनेंगे। अभी हम चिकन के पीसेस में जो ड्राई मसाले हैं सारे डाल देंगे और अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम 2 चम्मच इसमें दही डालेंगे। दही डालकर भी हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि हर एक पीसेस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें बेसन डालना है। आप चाहे इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे जो मसाले हैं चिकन के पीसेस में लग जाएँ। वो जी, मैंने वुडन स्टिक्स ले ली हैं, इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस को लगाएंगे और एक एक करके हमने लगाना है। और ध्यान रखना है कि हाथ में नहीं लगे और हर एक स्टिक में हमने 5 पीसेस को लगाना है। इस तरह से हमने एक एक करके चिकन के पीसेस को लगाते जाना है। चिकन कबाब अभी रेडी हैं। अभी हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर ग्रिल पैन रखेंगे। ग्रिल पैन रखकर हमने तेल लगाना है। आप चाहे बटर भी लगा सकते हैं, पर तेल लगाइएगा, इससे अच्छे सिकते हैं। और एक एक पीसेस को उठाकर हमने कबाब के रखते जाना है ग्रिल करने के लिए। और ये देखिए, इस तरह से सारे पीसेस को रखकर हमने इनको अच्छे से सेक लेना है। गैस की फ्लेम को हमने थोड़ा हाई ही रखना है। और जी देखिए, नीचे से सिक चुके थे, अभी हम इनको दूसरी तरफ पलटी कर लेते हैं। इस तरह से ही हमने सेक लेने हैं। और थोड़ी गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा था, अभी मीडियम कर लेते हैं। और हमने इनको चारों तरफ से अल्टा पलटी कर कर अच्छे से सेक लेना है। अभी हम कबाब के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेते हैं। कबाब को हमने 3-4 मिनट के लिए और सेक लेना है। कबाब हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुके हैं। और जी देखिए, फिर से हम इनको दूसरी तरफ पलटी कर लेते हैं। चिकन कबाब हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। और जी देखिए, चिकन कबाब हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, अभी हम इनको सर्विंग प्लेट में डाल लेते हैं। कबाब के साथ हम थोड़े से प्याज रखेंगे, साथ में नींबू की स्लाइस रखेंगे और इसकी गार्निश हम धनिया पत्ता के साथ करेंगे। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए थे। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में इस रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।